डोंट गेट कन्फ्यूज इन दोनों मॉइस्चराइजिंग स्किन प्रॉब्लम जो है वो सारी खत्म हो जाए, ट्रस्ट मी। हाई गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इन टूडेज वीडियो आई एल बी टॉकिंग अबाउट दिस मॉइस्चराइजर फ्रॉम सेटाफिल, दैट इज डेली एडवांस्ड मॉइस्चराइजिंग लोशन सेटाफिल डैम। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसमें मैंने सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम की वीडियो शेयर की है, वो ये वाला मॉइस्चराइजर है जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, एंड दिस इज डिफरेंट। सो डोंट गेट कन्फ्यूज इन दोनों मॉइस्चराइजर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इंग्रीडियंट्स में। ये जो आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, दिस इज थिकर इन कंसिस्टेंसी, तो आप ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, यू कैन यूज दिस सेटाफिल मॉइस्चराइजर विच इज सेटाफिल डैम। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं। ये 30 ग्राम की ट्यूब है और इसकी MRP 229 रुपीज है, विच इज क्वाइट डिसेंट। और सेटाफिल जो है डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड ब्रांड है। इसके काफी सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, इसका क्लेंजर है और इसके ब्राइटनिंग क्रीम्स हैं, काफी सारी चीजें हैं। अगर आपको उनके भी रिव्यू चाहिए आप नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए काफी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगी। और ये जो मॉइस्चराइजर है, ये मॉइस्चराइजर काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग है। ये ब्रांड क्लेम करता है कि ये 48 आवर्स तक हाइड्रेशन देता है और इसके आप देख सकते हैं पैकेजिंग के ऊपर ही डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड लिखा हुआ है। और इसके जो की इंग्रेडिएंट हैं जो इन्होंने पैकेजिंग के ऊपर ही लिखे हैं, दैट इज शिया बटर, प्रो वाइटामिन B5 एंड इसमें एसेंशियल वाइटामिन B3 है जो हमारी स्किन को हाइड्रेशन देता है। और काफी ज्यादा अमेजिंग फॉर्मुलेशन है इस मॉइस्चराइजर की। ये नॉन ग्रीसी है, जो दूसरा मॉइस्चराइजर है सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम वो थोड़ा सा थिक है। अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है आप वो यूज कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है As you can see, और ये आपको मॉइस्चराइजर बहुत लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है और ये बिल्कुल ग्रीसी नहीं है। दिस इज अ नॉन ग्रीसी फॉर्मूला, जैसे कि दूसरा सेटाफिल मॉइस्चराइजर है वो थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में है। वो स्किन के जैसे अगर ड्राई स्किन है उस पर तो सूट हो जाता है, लेकिन अगर स्किन ऑयली है वो नहीं यूज कर सकते हैं। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है या सेंसिटिव है या कॉम्बिनेशन है, ऑयली स्किन वाले समर्स में इसे अवॉइड कर सकते हैं, मे बी मॉर्निंग में, लेकिन नाइट टाइम में आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर फॉर कॉम्बिनेशन स्किन एज वेल। ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, बहुत अमेजिंग मॉइस्चराइजर है। इसकी फॉर्मुलेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसके जो की इंग्रेडिएंट है उसके बारे में एक बार ही बात कर लेते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो इसमें है ग्लिसरिन। ग्लिसरिन हम सबको पता है हमारी स्किन के लिए कितना ज्यादा अमेजिंग है। ये जो मॉइस्चर होता है एयर में उसे अट्रैक्ट करता है और ये लॉक इन करता है हमारी स्किन में मॉइस्चर, तो ये और ज्यादा हाइड्रेशन देता है हमारी स्किन को। और इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है प्रो विटामिन B5, जो इसमें पैकेजिंग में भी मेंशन है। ये हमारी स्किन का बेसिकली जो स्किन बैरियर है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन को नरिश रखता है। इससे क्या होगा, हमारी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो ठीक रहेगा। अगर हमारी स्किन डल डिहाइड्रेटेड हमेशा रहेगी तो स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी डार्क होने लगता है और स्किन थोड़ी सी, जैसे अगर स्किन के कॉम्प्लेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, आप फेयर हैं या आप कोई भी स्किन टोन हो आपका, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी स्किन बस हेल्दी होनी चाहिए, हाइड्रेटेड होनी चाहिए, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। और एनी हेल्दी स्किन, जो हेल्दी स्किन हम कहते हैं ना, हेल्दी स्किन वही होती है जो बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड हो, दूर से ही आपको दिखे कि ये स्किन हेल्दी है। इससे पहले तो आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं, एंड द मेन थिंग दैट यू हैव टू फॉलो इज वॉटर। वाटर आपकी स्किन के लिए, आपके स्किन में एक्ने है या डल है या डिहाइड्रेटेड है, ये काफी सारे इश्यूज ना आपके स्किन के, आई थिंक 80% प्रॉब्लम जो है ना, अगर आप पानी ज्यादा सबसे ज्यादा पियेंगे ना, आपकी 80% स्किन प्रॉब्लम जो है वो सारी खत्म हो जाएंगी। आप ट्रस्ट मी ये वाली चीज फॉलो करके देखो। मेरे भी पहले स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड रहती थी,
काफ़ी ज़्यादा मेरी भी प्रॉब्लम्स थी स्किन की, मैंने हमेशा उसके बाद में शुरू किया है पानी मैं अपने पास हमेशा रखती हूँ, और बहुत ज़्यादा पानी पियो, इससे आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगेगा आपको। और अगर आपको डिफरेंस दिखा तो नीचे कॉमेंट में भी ज़रूर बताना, मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करना। और इसमें जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है शिया बटर। शिया बटर हम सबको पता है किसी भी मॉइस्चराइजर में बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। ये हमारे स्किन पे बेसिकली जो भी रिंकल्स वगैरह होते हैं, ये एक एमोलिएंट है, हमारी स्किन में हाइड्रेशन देता है। शिया बटर बहुत अमेजिंग हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है एक मॉइस्चराइजर में, जो हमारी स्किन को सॉफ्ट सप्पल एक लुक देता है ना, प्लम्प अप, वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर बेस्ट इंग्रेडिएंट इन दिस मॉइस्चराइजर इज मैकेडमिया नट ऑयल। ये जो है ये बेसिकली हमारे स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी स्किन में, सो दिस इज अनदर ग्रेट इंग्रेडिएंट इन दिस मॉइस्चराइजर। अदर ग्रेट इंग्रेडिएंट इज विटामिन ई। विटामिन ई तो हम सबको ही पता है कि कितना ज्यादा अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारी स्किन का बेसिकली टेक्सचर इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, हाइड्रेशन देगा, बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है इस मॉइस्चराइजर में। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मॉइस्चराइजर इज दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री, दिस इज पैराबेन फ्री, एंड इसमें मिनरल ऑयल भी नहीं है, ये एलर्जन भी है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, और ये आपके पोर्स को भी क्लॉग नहीं करेगा। तो ये बेसिकली जो सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है, वो इसे यूज इजीली कर सकते हैं, ये उनपे बहुत ही अच्छे से सूट करेगा। सो ओवरऑल नाउ आई होप कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हमें कौन सा सेटाफिल यूज करना है। जो ये सेटाफिल डैम है, ये वाला डेली एडवांस मॉइस्चराइजिंग लोशन, अगर आपकी स्किन ऑयली है, सेंसिटिव है, आप इसे यूज कर सकते हैं। ये काफी अमेजिंग मॉइस्चराइजर है, डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंडेड है। जैसे कि मेरी स्किन जो है वो ड्राई है, तो मैं इसका ये दूसरा मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी स्किन टाइप है वो वाला मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। And please consider using this moisturizer if you have sensitive and combination skin. It's very hydrating and a great moisturizer. I hope ये video आप लोगों के लिए helpful रहा होगा। अगर helpful था तो आप please मेरे इस channel को subscribe कर लें, मेरे इस video को भी like करना, इससे मुझे motivation मिलेगा। और अगर आपकी कोई भी query है आप नीचे comment box में ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि मैं आपके सारे comments का answer करती हूँ, सारे जो मैं use करती हूँ वही share करती हूँ। तो आपको भी अगर मेरी स्किन केयर जर्नी में और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अभी और भी वीडियोस काफ़ी सारी लाइंड अप हैं, आप मेरी चैनल पे चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ इससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी वीडियो ना मिस हो।